जब हमारे भीतर वासनाओं का रोग बढ़ता है ना, तब हमें दंड के लिए नरकों में भेजा जाता। हमारे रोगों को खत्म करने का अस्पताल है नरक। पर अब कोई कहे कि हमें अगर नरकों से बचना तो क्या करना है, तो बोले जब मान लीजिए किसी को पता लग जाए कि अभी अभी उसने खाने में जहर खा लिया है, भोजन के साथ साथ गलती से विष खा लिया है, तो क्या करना चाहिए उसको? सबसे पहले क्या करना चाहिए? वमन करना चाहिए, वोमिट। वमन करेगा तो सबसे पहले जो भीतर विष है वो बाहर निकल जाएगा, उसको बाहर निकालना। तो जब वो उल्टी करेगा तो मरने से बच जाएगा, जब पता लग जाए कि जहर पेट में घुस गया। वैसे ही नरकों का वर्णन इसलिए सुनाया जा रहा है कि अब आपको सावधान किया गया, ये कर्म हो गया, तुरंत अब इस कर्म को यही जड़ से खत्म करो, नहीं करोगे तो पाप बढ़ते चले जाएंगे। एक पाप करते करते फिर दूसरे का करने का मन करेगा, दूसरे के बाद तीसरा, और फिर ऐसे करते करते मन बढ़ता चला जाए। इसलिए जब दिखे, जब पता लगे कि हाँ अब ये पाप कर्म हो गया, तो भगवान के सामने जाके कह दो, हे प्रभु, भगवान कह रहे हैं ये बात, भगवान ने छूट दिया, मैं सन्मुख होए जीव मोए जब ही, जन्म कोटि अघनाश हो तब ही। भगवान कहते जिस दिन जीव मेरे सामने खड़ा होकर के ये कह देता है ना कि प्रभु अब मैं आपके सामने जैसा हूँ खड़ा हूँ, भगवान कहते मैं उसके सारे अघ, सारे पापों का जड़ से नाश कर देता हूँ, खत्म कर देता। और पता इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या है, या ये कह लो पापों की शुरुआत कहां से होती है? पाप की शुरुआत होती है मैं से। पाप का आरंभ होता है मैं, मेरे करने से, मेरे चाहने से, मुझे मिलने से। ये जब हर चीज में आने लगता है ना, तब फिर पाप शुरू हो जाते हैं, फिर आदमी पाप के रास्ते पर आगे बढ़ने लगता, मेरी इच्छा। अब जैसे हम बहुत आजकल खूब बोलते हैं कि भैया मांस मत खाओ, मांस मत खाओ, तो ह्यूमन राइट्स वाले आके खड़े हो जाते हैं, हमारी अपनी मर्जी, तुम कौन होते हो बोलने वाले? अरे तुम्हारी अपनी मर्जी तो तब होती ना जब तुम अपने जीवन तक सीमित रहते, तुम तो दूसरे का जीवन छीन के खा रहे हो, तो तुम्हारी अपनी मर्जी कहां से बची इसमें? पर वहां मैं, मेरा मन, मेरा स्वाद, मैं कुछ भी खाऊं, मैं कुछ भी करूं, यहां से पाप की शुरुआत होती है। सुखदेव जी महाराज नरकों का वर्णन सुनाते हैं, और देखो ये पाप का फल भी उसको लगता है जिसके भीतर में, जिसने ये सोच रखा है कि हम तो ठाकुर जी के दास हैं, वो हमें करा रहा है, जो करा रहा है, जो नचा रहा है नचा रहा, तो फिर उस आदमी के लिए पाप भी होगा तो भी भगवान उसे क्षमा कर देंगे। पर उसके लिए शर्त है कि पाप हो जाए, तब तो आदमी कहता है अरे भगवान के इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। और 2 रुपया मंदिर में दान भी दे आए ना, तो किसने दिया? मैंने दिया। तब भूल जाते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। पाप हुए तो भगवान करा रहे, पुण्य हुआ तो हम कर रहे, ये कहां की बात हुई? जिसने माना है कि हाँ पाप भी उसका पुण्य भी उसका, वो पाप और पुण्य से परे हो जाता है, फिर उसे पाप नहीं लगता। पर उसके लिए बहुत ऊंची वाली भक्ति की स्टेज पे पहुंचना पड़ता है, वो साधारण लोगों के लिए नहीं है। तो नरकों से बचने के लिए, नरकों से बचाव का उपाय क्या है? तो सुखदेव जी ने सुनाया कि एक ब्राह्मण था जिसका नाम अजामिल था। अजामिल प्रसंग आता है भागवत के 6वें स्कंद में। अजामिल के जीवन में पाप बहुत थे, इतने थे कि गिन नहीं सकते, इतने पाप थे अजामिल के जीवन में। व्यभिचार, नशा, पर स्त्रीगमन, सारे पाप। कौन पाप छोड़ा अजामिल ने? पर सारे पापों पर भारी, सब पापों पर भारी जानते हो क्या है? सब पापों पर भारी पड़ा एक नारायण का नाम।
एक कृष्ण का नाम। एक बहुत सुंदर बात महापुरुष कहते हैं, तुम पूरे जीवन में इतना पाप नहीं कर सकते जितना एक कृष्ण नाम सारे पापों को धोने की सामर्थ्य रखता है। चाह के भी करना चाहो ना तो इतने पाप नहीं कर सकते। भगवान के नाम में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है। इस शक्ति को समझिए। जीवन में अपराध से कोई नहीं बच पाता। यहां जितने बैठे हैं ना, चाहे वो या व्यासपीठ पे बैठा हो, चाहे जमीन पे बैठा हो, चाहे कोई कहीं भी बैठा हो, पाप सब ने किए होंगे। किसी ने छोटे, किसी ने बड़े, किसी ने बड़ा अपराध किया होगा, किसी से छोटे मोटे हो जाते, छोटे मोटे तो हर रोज होते हैं हमसे। तो उन पापों के उस फल से बचने के लिए एकमात्र उपाय है भगवान का नाम, कृष्ण नाम, नारायण नाम। तो अब ये बात कैसे समझे हम, तो उदाहरण दिया अजामिल का। अजामिल के घर कुछ संत पधारे। संतों ने अजामिल को कहा कि बेटा, हम जानते हैं तू हमारी और तो कोई बात मानेगा नहीं, पर इतनी सी बात मान लेना, तेरी पत्नी गर्भवती है, उस बालक का नाम हमारे कहने से, हमारी इच्छा से क्या रख देना? बोलो जोर से। पक्का? पक्का नारायणी था, चिंटू पिंटू तो नहीं था? जानते हैं, सबको पता है, सारी कथाएं पता है, पर अपने बच्चों के नाम धरने की बारी आती तो फिर तब भूल जाते हैं, तब भगवान याद नहीं रहते। अजामिल को कहा, बेटा तू कुछ नहीं कर सकता ना, बस इतना कर ले, इससे क्या हो जाएगा? बोले, वो तो हम जानते ना क्या हो जाएगा। जैसे पूज्य पाठ श्री रामायणी जी एक भाव सुनाया करते थे कि एक आदमी कथा में बैठा था, नास्तिक था, उसका दोस्त उसको ले आया था बस। तो एक महात्मा जी नाम महिमा गा रहे थे, तो दोस्त ने आके कहा, महाराज जी ये भगवान भगवान में नहीं मानता बड़ा। महाराज जी ने कहा, बेटा तू एक संत के द्वार पर आया है, संत की एक बात मानेगा? उसने कहा, कुछ भी करवा लेना पर भक्ति वक्ति के बारे मत बोलना। बोला, नहीं हम नहीं बोल रहे भक्ति वक्ति, एक काम तो कर सकता है, अभी इसी समय मेरे सामने एक बार राम बोल सकता है? बोला, अरे महाराज अब आपको कहा तो ये सब भगवान भगवान में मानते नहीं। अरे बेटा मेरी खुशी के लिए बोल दे एक बार, क्या घिस जाएगा तेरा, मेरे खुशी के लिए एक बार राम बोल दे। तो महात्मा जी की खुशी के लिए उसने कह दिया। बोला, ठीक है महात्मा जी, लो आपकी खुशी के लिए बोला राम। तो महात्मा जी खुश होके बोले, बस बन गया काम, तूने एक बार राम बोला इसी में काम बन गया तेरा। बोले, इसमें क्या काम बन गया? बोले, बेटा काम बस एक एक बात ध्यान रखना, दुनिया में कोई आ जाए और तुझसे ये कहे कि एक राम के नाम के बदले में तुझे जो चाहिए मांग ले, तो तू कुछ मत मांगना, बल्कि उस पर ही डाल देना कि एक राम नाम के बदले जो मिलता वो दे दो। इतनी सी बात याद रख ले। बोले, ठीक है महात्मा जी। सारा जीवन निकला, मृत्यु हुई, यमदूत लेके गए, चित्रगुप्त से पूछा यमराज जी ने, इसने जीवन में क्या शुभ कार्य किए? बोले, कुछ भी नहीं, कोई अच्छा काम किया ही नहीं इसने जीवन में, एक बार राम बोला है। तो यमराज जी बोले, बता तूने एक बार राम बोला है, क्या चाहिए राम नाम के बदले? संत कृपा से वो बात याद आ गई। यमराज जी से हंस के बोला, यमराज जी आप ही दे दो, एक राम नाम का जो फल मिलता वो दे दो, एक राम नाम की जो कीमत हो वो दे दो। अब यमराज जी तो बेचारे अपना पोथी पत्रा घुमाए चारों तरफ कि हमने तो अपने सिलेबस में कभी पढ़ा ही नहीं ये एक राम नाम की कीमत क्या होती है, पर अगर इसको इसका फल नहीं दिया तो अन्याय कहा जाएगा, इसलिए पहले कीमत पता करो एक राम नाम की, कौन बताएगा? तो इंद्र के पास गए, इंद्र से पूछा राम नाम की कीमत। इंद्र बोला, हमको क्या पता, हम तो सुख
सुविधा में रहने वाले जीव, एक काम करो, ब्रह्मा जी के पास चलो। तो ब्रह्मा जी के पास यमराज जी, इंद्र जी उसको लेके गए। ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी ने भी कहा कि हमें भी नहीं पता, एक काम करो, जो राम नाम दिन रात लेता उसके पास चलो। भगवान शंकर महादेव, महादेव के पास गए, प्रभु आप बताइए एक राम नाम का फल। राम, भगवान शंकर बोले कि राम नाम लेने वाला कभी राम नाम की कीमत जानने की कोशिश नहीं करता। हमें कोई मतलब नहीं फल क्या मिलता ना मिलता है, हमें पता ही नहीं, हमने जाना ही नहीं कभी। तो एक काम करो, जिसका नाम है उसी के पास चलो। तो राम जी के पास आए शंकर जी, ब्रह्मा जी, यमराज जी, और पूछा राम जी से क्या है राम नाम की एक कीमत। तो राम जी हंस के बोले कि जिसने जीवन में कभी कोई पुण्य नहीं किया उस आदमी का हाथ पकड़ के अगवानी करते करते ब्रह्मा शंकर मेरे दरवाजे पर ले आए, इससे बड़े राम नाम की कीमत क्या हो। एक राम नाम लिया और देख मेरे सामने खड़ा है तू। ये राम नाम की शक्ति है, ये भगवान के नाम की शक्ति है। तो आज अजामिल नारायण 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 पुकारते पुकारते एक समय आता है जब अजामिल भगवान को प्राप्त कर लेता है।